चीन सहित पूरी दुनिया में दहशत फैलाने वाले कोरोना वायरस के बारे में जानिए। आजकल आपने टीवी न्यूज या अखबारों में कोरोना वायरस के बारे में जरूर पढ़ा होगा। हम आपको इसके बारे में सारी जानकारी देंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में ज़्यादा कहर बरपा रहा है। कोरोना वायरस से चीन सहित पूरी दुनिया में 2,750 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और अकेले चीन में ही 81 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। कोरोना वायरस का स्रोत चीन के वुहान शहर की हुनान मार्केट को माना जा रहा है, जहां पर सी फूड और सांप, बिल्ली, भेड़िया आदि जानवरों को बेचा जा रहा था। हालांकि चीन सरकार ने पता लगते ही इस मार्केट को बंद करा दिया। कोरोना वायरस वायरस का एक समूह है जो इंसानों, जानवरों और पक्षियों में बीमारी पैदा करता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति या संक्रमित जानवरों के माध्यम से दूसरे इंसानों या जानवरों में फैलता है। जैसे ही व्यक्ति खांसी करता है तो यह वायरस हवा के माध्यम से दूसरे इंसानों में पहुंच जाता है। इसलिए आपने चीन के लोगों को मुंह पर मास्क पहने हुए देखा होगा। अधिकांश कोरोना वायरस के लक्षण अन्य श्वसन संक्रमण के समान होते हैं, जैसे बहती नाक, गले में खराश और कभी कभी बुखार, सांस लेने में तकलीफ। कोरोना वायरस छोटे बच्चे, बुजुर्गों और जिन लोगों को प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है उनको ज़्यादा खतरा होता है। वैसे तो अधिकांश घरेलू कीटनाशक कोरोना वायरस को तुरंत मार देते हैं, लेकिन लोगों को इस वायरस से बचने के लिए कोई भी टीका नहीं है। इस वायरस से जानवरों और इंसानों दोनों को बहुत ही खतरा है, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। संक्रमित व्यक्ति के खांसी के नमूनों से लैब में पता लगाया जाता है कि व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित है या सामान्य वायरस से। कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति के फेफड़े में संक्रमण बहुत ज़्यादा तेजी से फैलता है और कभी मस्तिष्क में भी संक्रमण फैल जाता है। खुले वातावरण में कोरोना वायरस कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन तक जिंदा रहता है। जिन लोगों को खांसी, जुकाम, बहती नाक या नमूनिया जैसे लक्षण दिखते हैं उनको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं और कम से कम 20 सेकंड तक रब करें। संक्रमित जानवरों और सी फूड खाने से बचें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।